अब हम लोग कस्टम टोस्ट बनाना सीखेंगे। कस्टम टोस्ट में हम लोग इमेज और टेक्स्ट दोनों शो करा सकते हैं, और नॉर्मल टोस्ट में केवल मैसेज ही शो कराया जाता था। तो सबसे पहले एक बटन बनाएंगे, और इस बटन पर क्लिक होने के बाद क्या होगा, सबसे पहले इस बटन को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। इसको एक काम कर, तो यहाँ पे जाता हूँ, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कर देता हूँ, और ये कंस्टेंट हो गया, कंस्टेंट लेआउट है। यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट में क्लिक मी। सबसे पहले इस बटन पर क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद क्या शो होगा, तो अब उस कस्टम टोस्ट को बनाएंगे। उसके लिए एक इमेज का आवश्यकता पड़ेगा, तो एक इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको हम लोग ड्राइवर वाले में जाकर पेस्ट कर देंगे। ओके करता हूँ, ड्राइवर में है, ओके कर दिया, फिर ओके एक इमेज आ गया। अब हम लोग लेआउट वाले में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, लेआउट रिसोर्स फाइल बनाएंगे, इसका नाम देता हूँ टोर्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक इमेज भी ले लेता हूँ, और इस इमेज को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, और टेक्स्ट व्यू मैं लिख देता हूँ वेलकम, और इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे लाया, और इसको यहाँ से मैं कंस्ट्रेंट कर देता हूँ हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कंस्ट्रेंट हो गया, और इसका थोड़ा साइज मैं बढ़ा देता हूँ, साइज मैंने कर दिया 34। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पर क्लिक होने के बाद ये वाला शो होगा। तो अब हम लोग इसका बैकएंड का कोड करेंगे, तो एक्टिविटी मेन वाले के, ये देखिए इस वाले मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाएगा। उससे पहले इसका एक बटन का आईडी देना है, बटन का आईडी देता हूँ बटन 1। ठीक है, मैंने इसका आईडी बटन 1 दे दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर जाएंगे, बटन बटन लिखेंगे, और बटन का वेरिएबल मैं बना देता हूँ बटन 1 ही दे देता हूँ बटन 1, और इसको फाइंड व्यू बाई आईडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है। तो अब बटन 1 इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी, और r.id. इसका नाम था बटन 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल बना है, ये देखिए आईडी का नाम है, तो मैं सेम ही सब रख दिया कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब क्लिक लिसनर लगाएंगे, तो बटन 1 पे क्लिक होने के बाद क्या होगा, बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, फिर भी लिखूंगा कैपिटल, इसके बाद इंटर मारूंगा, ये सारा कोड आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर लिखेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर, इसके बाद लिखेंगे इन्फ्लेट। लेआउट इन्फ्लेटर का एक ऑब्जेक्ट बना दिए इन्फ्लेट इक्वल टू गेट लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक व्यू बनाएंगे, कैपिटल में व्यू लिखता हूँ, और ऑब्जेक्ट इसका बना लेते हैं, तो स्मॉल में व्यू लिख देता हूँ। आप भी लिख दीजिए तो काम चला जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है इन्फ्लेटर, देखिए लेआउट इन्फ्लेटर का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाए थे इन्फ्लेटर डॉट, इसके बाद लिखेंगे इन्फ्लेट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कैपिटल में r.layout, layout., और जो हम लोग लेआउट रिसोर्स फाइल बनाया था उसका नाम टोर्स। देखिए हम लोग क्या किया यहाँ पे, अरे रिसोर्स वाला है तो रिसोर्स फाइल को यहाँ पे आर से रिसोर्स, फिर इसके बाद हम लोग लेआउट में गए, फिर इसके बाद टोस्ट, ये टोस्ट वाला जो रिसोर्स फाइल बना है उसको यहाँ पे लिखे, फिर इसके बाद हम लोग कॉमा देंगे और एक व्यू ग्रुप बनाएंगे। व्यू ग्रुप क्या होता है, व्यू ग्रुप हमने लिखा यहाँ पे, अभी तो डिजाइन वाले में जाता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। इसके अंदर ये हो गया, ये देखिए ये एक एलिमेंट होता है व्यू, और सबसे ऊपर वाला ये बहुत जो होता है कंटेनर वो व्यू ग्रुप कहलाता है। तो सबसे पहले मैं इस कंटेनर का जो व्यू ग्रुप हो गया, ये इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे व्यू क्या होता है, व्यू ग्रुप क्या होता है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। व्यू कोई भी एलिमेंट को मैंने ड्रैग करके ड्रॉप किया, सिंगल जो है ये व्यू है, पर जे सारे जितने भी सारे जो व्यू होते हैं सिंगल वाले, जिस व्यू के अंदर जो मेन व्यू जो रहता है, जो कंटेनर है उसके अंदर जो रहेगा, तो वो व्यू ग्रुप हो जाएगा। इसमें कंस्टेंट लेआउट व्यू ग्रुप है, तो व्यू ग्रुप का नाम मैंने दे दिया इसका डब्बा। ठीक है, इंटर कर देता हूँ, अब यहाँ पर जाता हूँ,
अब इसके बाद हम लोग इसको फाइंड व्यू बाई आईडी करेंगे। अब लिखेंगे आर डॉट आईडी डॉट व्यू ग्रुप का नाम क्या दिए थे, डब्बा, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देता हूँ और इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। अब इसके नीचे हम लोग टोस्ट बनाएंगे, तो कैपिटल में मैं कैपिटल टी लिखा टोस्ट, फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो स्मॉल में टोस्ट लिख देता हूँ या टी भी लिख दीजिए तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट तो कोई भी नाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद न्यू, फिर इसके बाद टोस्ट। अब किस एक्टिविटी में देखना था, मैन एक्टिविटी डॉट दिस, इसी में देखना है, ठीक है। अब मैंने इसका ऑब्जेक्ट को पकड़ना है जो स्मॉल में मैंने टोस्ट लिखा, इसके बाद सेट व्यू करना है, सेट व्यू, व्यू ये देखिए जो व्यू हम लोग बनाए थे तो इसका ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे। फिर इसके बाद आपको व्यू देने के बाद टोस्ट डॉट फिर लिखना है, इसके बाद इसका ग्रेविटी दे सकते हैं, ग्रेविटी देता हूँ, ये लिखना है ग्रेविटी डॉट सेंटर और एक्स और वाई एक्सिस में 0 0 दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद टोस्ट डॉट, इसके बाद ड्यूरेशन देना है कितना ड्यूरेशन, तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग या लेंथ शॉर्ट कोई भी दे सकते हैं। इसके बाद इस टोस्ट को शो कराना है, TOAST टोस्ट डॉट शो, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो ये रन हो गया। अब देखिए इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे शो होने लगा। देखिए अच्छे से कॉन्सटेंट नहीं किए थे तो नीचे किए थे तो ऊपर में वेलकम आने लगा। आप अच्छे से कॉन्सटेंट कर लीजिएगा या आप और भी लेआउट का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।